your presence with us in the midst of all challenges. We are looking to you. Give us direction. Help us to have a good time learning from your word and learning from you. Thank you, Lord. Fresh anointing upon Pastor Nicholas, and as Pastor Wilson shares with us, blessing in the reading of the scripture, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's continue the topic which we have started 7 weeks ago. और आइए हम 7 सप्ताह पहले जिस विषय की हमने शुरुआत की उसे आगे लेकर जाएं. The clarification of the miracles. और चमत्कारों का स्पष्टीकरण. The calling of the miracle. चमत्कारों का अर्थ. The counting of the miracle. चमत्कारों की गणना. The categories of the miracle. चमत्कारों की श्रेणी. The causes of the miracle. चमत्कारों के कारण. The conditions of the miracle. चमत्कारों की शर्तें. The critics of the miracle. चमत्कार के आलोचक. And today we'll discuss the characteristics of the miracles. और चमत्कारों के क्या गुण हैं आज हम उसका वर्णन करेंगे. नंबर वन, पहली बात, miracles of Jesus are historical. प्रभु यीशु मसीह के जो चमत्कार हैं, वो उसके सिर्फ वो ऐतिहासिक हैं. All the miracles which we are dealing with in our study, you can see it's recorded in 4 Gospels. आप देख सकते हैं जिस किसी चमत्कार का हम अपनी शिक्षा के दौरान अध्ययन करते हैं, चारों सुसमाचार में उन्हें दर्ज किया गया है. All the events are there in the Gospels. सुसमाचार में तमाम घटनाक्रम को दर्ज किया गया है. मच्छी दूसरी बात, miracles of Jesus are reasonable. दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की जो चमत्कार है वो सुसंगत है, वो तर्कसंगत है. When you study the miracles of Jesus, you will see highly ethical use of divine power. आप देख सकते हैं जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार बाइबल में दर्ज किए गए हैं, वहां पर दैवीय सामर्थ्य का इस्तेमाल आप देख पाएंगे. नंबर थ्री, तीसरी बात, they are useful. और वो उपयोगी हैं. नंबर वन, पहली बात, to meet the need of the people. लोगों की जरूरतों को वो पूरा करता है. नंबर टू, दूसरी बात, टू फुलफिल और सैटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल. और लोगों की जो एक एक जागरूक स्वभाव है, एक उत्सुकता है, वह उसे पूरा करता है. उनकी रुचि जिस बात पे रहती है उसे पूरा करता है. नंबर फोर, यू हैव टू पे अटेंशन. और चौथी बात जो है आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, most miracles were done or accomplished openly. और अधिकतर जो चमत्कार है वो खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर सबके सामने किए गए. It was not done in a remote corner. और वो किसी कोने में कहीं पर नहीं हुए. Or a dark corner. और कहीं अंधियारे में नहीं हुए. These miracles were done publicly. और सार्वजनिक तौर पर, खुले तौर पर सबके सामने इन चमत्कारों को प्रभु यीशु मसीह ने किया. So when the miracles are done publicly, और जब चमत्कार सार्वजनिक तौर पर हो रहे हैं, definitely there will be crowd. तो इसके पीछे निश्चित रूप से वहां पर बड़ी भीड़ भी रहती होगी. Let's go to Book of Acts. आइए हम प्रेरितों के काम पुस्तक में जाएं. Chapter 26. 27 अध्याय में. 26 अध्याय माफ करें. 25 and 26. 25 और 26 हम पढ़ेंगे उसका. Book of Acts, chapter 25, Prerit, 26, 26, 25 and 26. 25 और 26. परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराज अधिराज की दोहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया. मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे सामने
और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूँ कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले। Just keep this in your mind. इस बात को आप अपने मन में अपने ध्यान में बना लो। Matthew chapter 15, मत्ती 15 में आ जाएं। Verse 30 and 31, 31 और 20। Matthew chapter 15, verse 30 and 31. 30 और 31 मत्ती 15। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, जब लोगों ने देखा, when people saw that tells the miracles were done very openly. इसका मतलब यह चमत्कार जो लिखे गए हैं वह सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने किए गए। बोलिए। और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं तो अचंभा करके इसराइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। Now verse 31 says the crowd wondered when they saw. और 31 आयत में लिखा है जब भीड़ ने इन बातों को देखा वे आश्चर्यचकित हो गए। It means इसका मतलब miracles were done publicly or openly, that's why the large crowd could witness. इसका मतलब चमत्कार खुले तौर पर लोगों के सामने किए गए ताकि जनता इन चमत्कारों को देख पाए। Go to chapter 19, Matthew. मत्ती की इंजिल 19 में आ जाए। 1 and 2. एक और दो पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यर्दन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। बड़ी भीड़, a large crowd followed him. एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। And he healed them there. और उन लोगों को उसने वहीं चंगा कर दिया। Mark chapter 1, मरकुस 1। Well, there's some philosophers and leaders, they say there is no solid proof because Jesus did all his miracle in the remote area. अब देखिए कई ऐसे दर्शन शास्त्री हैं, धर्म विज्ञानी हैं, ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों का कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि वो दूर दराज के कोने में कहीं उसने किया किसी को पता नहीं। In Mark chapter 1, मरकुस 1, reading from verse 32 to 34, 32 से 34 पढ़ेंगे। जब संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिन्हें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। Now let me make a comment from the so-called philosophers and leaders. ऐसे अगुओं के बारे में, ऐसे दर्शन शास्त्रों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे। They take this scripture, the part of this scripture, इस जो आयत का एक भाग वो ले लेते हैं। And they say Jesus did in the late day or when the sundown occurred. और वो ये कहते हैं कि जब सूरज ढलने वाला था या अंधेरा होने वाला था तब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए। They justify their statement, healings were performed in the dark corner. तो वो ये कहते हैं कि अंधियारे में, अंधकार से भरे हुए जगह में इन चमत्कारों को किया गया। But just read this again and we'll read up to 34. फिर से एक बार आप पढ़ें, हम 34 आयत तक पढ़ेंगे इस बार। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। He brought who were sick, number one, and number two, those who were oppressed by demons. और पहली बात वे लोग जो बीमार थे और दूसरे जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर गई थी। And then 33 says, and the whole city was gathered together at the door. और फिर देखिए उसके अगली आयत में लिखा है कि पूरा नगर उनके द्वार पर इकट्ठा हो गया। And he healed many who were sick with various diseases. और बहुत से लोगों को जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे सबको चंगा किया। We are trying to prove
that Jesus did miracle openly by showing you only few scriptures. केवल कुछ आयतों को दिखाकर हम ये बताना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुतेरे चमत्कारों को किया. Go to chapter 6. आप छठवें अध्याय में आए. 53 to 56. 53 to 56 हम पढ़ेंगे. वे पार उतर कर गन्ने सरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई. जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे. और जहां ओपनली अगेन ओपनली फिर से खुले तौर पर आप देख रहे हैं यहां पे हो रहा है. और जहां कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि they brought the sick people in the marketplace also. अब देखिए बीमारों को बाजार में भी लोग लेकर आ रहे हैं. I cannot understand their justification that miracles were done in the remote area. आखिर वो कैसे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अंधकार में और दूर दराज के इलाकों में चमत्कार हुए, मुझे ये समझ नहीं आता. Many people were there. बहुत से लोग वहां थे. And marketplace everyone can see. और बाजार जहां लगता है सब कोई देख सकते हैं. Go to Luke chapter 6. लुका 6 में आ जाए. 17 to 19. और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे. और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे. कहिए जाते थे. चलिए 19 में आ जाए सीधा. सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी. In English says, and all the crowd sought to touch him. और अंग्रेजी में लिखा है पूरी की पूरी भीड़ उसे छूना चाहती थी, छूने की कोशिश कर रही थी. For the power came out from him and healed them all. क्योंकि उसके अंदर से सामर्थ्य निकलती थी और वो सबको चंगा कर देती थी. When you time read the passages and see how crowds were after Jesus or crowd came where Jesus was. तो आप देख सकते हैं, आप समय मिले तो पढ़िएगा कि कैसे भीड़ मसीह यीशु के पीछे लगी रहती है. जहां प्रभु यीशु मसीह होता था वहां भीड़ अपने आप आ जाती थी. Number 5. पांचवी बात. They were accomplished simply. वे बड़े ही सरलता के साथ किए गए. Simply. बहुत ही सरलता से. No pomp, no ritual ceremony. और कोई भी वहां पर अनुष्ठान या कोई ऐसे आडंबर की प्रतिक्रिया नहीं की गई. Just look to Matthew chapter 8. आप मत्ती 8 पढ़ें. 1 through 17 we are never read today. 1 to 17 मत्ती 8. You will see 4 miracles and how all those 4 miracles were accomplished simply. आप देखिए कैसे वहां पर 4 चमत्कार दिए गए हैं और बड़ी ही सरलता से वे 4 चमत्कार किए जाते हैं. Leper came to Jesus. एक जो कोढ़ी था यीशु के पास आता है. Jesus touched him. प्रभु यीशु मसीह उसे छू लिया. Centurion comes to Jesus. और एक सुबेदार यीशु के पास आता है. Jesus just tells the word. और प्रभु यीशु मसीह केवल एक शब्द उसे बोल देता है. Peter's mother-in-law. पत्रस की सासु माँ. Jesus goes to their home. प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाता है. Then number 4 there. चौथी चमत्कार को आप देखेंगे. Many who were oppressed by demons. बहुत से लोग जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे. With a word he healed them all. एक वचन के द्वारा उन सबको उसने चंगा किया. No ritual ceremony. कोई भी अनुष्ठान की प्रक्रिया वहां नहीं. Not taking the wooden cross. और कोई भी लकड़ी का क्रूस उसने यूं नहीं लिया. No
bottle water. और वहाँ पर पानी जो बोतल में बिकता है वो नहीं रखा. No handkerchief. और हाथ में कोई रुमाल भी उसने नहीं रखा. Just simply, he said the word, he touched them, he visited them, they were healed. उसने एक शब्द बोला, उसने उन्हें छू दिया, उनके पास गया, वे चंगे हो गए. Hallelujah. Miracles should happen that way only. और इसी रीति से चमत्कारों को आज होना चाहिए. Number six. छठवीं बात. Now I'm going to make a statement. Make sure you understand this. एक कथन मैं कहूँगा. आप ध्यान रखें कि आप उसे समझ लें. Most of the miracles were accomplished instantly. और अधिकतर जो चमत्कार किए गए वो तुरंत वहां पर हो गए. और immediately. या फिर तात्कालीन वे हो गए. With only few exception. और कुछ एक अपवादों को छोड़कर. I'll just give one example. मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा. He touched a blind man. उसने एक अंधे व्यक्ति को छुआ. And Jesus asked, "What do you see?" यीशु ने उससे कहा, तुम क्या देखते हो? He said, "I see men like trees." मैंने पुरुषों को या मनुष्यों को मैं पेड़ के समान देखता हूँ. Then Jesus touched the second time. फिर दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने छुआ. There was not an instant healing in this illustration. अब देखिए तात्कालीन वहीं पर तुरंत ऐसा नहीं हुआ कि चमत्कार हो गया. One time he says he puts a pancake made of the mud on the eyes. और देखिए मिट्टी लेता है, उसका एक लौंदा बना के वो आंखों में लगाता है. And then tells go and wash. और फिर कहता है जाकर तुम धो दो. Healing occurred as he followed the instruction given by Jesus. और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने निर्देश दिया उसके अनुसार उसने किया और चमत्कार हो गया. So miracle, most of the miracles were done immediately. तो अधिकतर जो चमत्कार थे वो तुरंत तात्कालीन वहां हो गए. Let me make a theological statement now. मैं एक धर्म वैज्ञानिक वाक्य कहना चाहूंगा. Few miracles were done progressively. आप देख सकते हैं कुछ ही चमत्कार बढ़ते क्रम में हुए. And we see that thing in our life also. और हमारे जीवन भी हम देखते हैं. Now let's go to number seven. सातवें हम बिंदु में जाएंगे. When you scan through or study these 33 miracles, जब आप इन 33 चमत्कारों को पढ़ते हैं, you will see miracles were done in a variety of circumstances. आप देखिए ये जो चमत्कार थे वो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में हुए. And you know all those things, when we deal in detail, you should remember this point. तो जब हम और भी व्याख्या में उतरते हैं तब इन बातों को आपको याद रखना है. नंबर एक, आठवीं बात. Not only variety of the circumstances, ना केवल अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में, but you can see variety of methods. लेकिन आप अलग अलग पद्धतियों को भी देखते हैं. Amazingly many variety you can see. आप बहुत सारी रीतियों को पद्धतियों को देख सकते हैं. Not one method. एक पद्धति नहीं थी. But various. बहुत सी पद्धतियां थी. So if you follow Jesus Christ all the way, यदि आप पूर्णतः प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखें, those who pray for the healing, वे लोग जो चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं, listen to me, don't just stay with one method. आप केवल एक ही रीति के साथ ना बने रहें. Because the people who come for the prayer, then they will always look for that method wherever they go for the prayer. क्योंकि जहां कहीं भी लोग जाएंगे, यदि आपने एक ही रीति से इन चमत्कारों को या उनके लिए प्रार्थना आपने किया है, तो वो उसी रीति को हर जगह अपनाना चाहेंगे. वो ढूंढेंगे कि कौन इस रीति से चमत्कार करता है. Because I have seen even some pastors when they pray. मैंने कुछ पासवानों को भी देखा है जब वो प्रार्थना करते हैं. Believers pick up the same way, same method. अब बिल्कुल वैसे ही विश्वासी भी प्रार्थना करते हैं. स्मार पृथ्वी के सृजने हार every time. And now when they pray, they will pray exactly those things. और जैसे उन्होंने शब्दों को इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही वही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. And the people who come for the prayer, if you change those words, they think they will not have their miracle. और
यदि आप शब्दों को बदल दें, वही लोग आपसे प्रार्थना कराने आए हैं, आप शब्दों को बदल दें, उनको लगेगा आप चमत्कार नहीं होगा। नंबर 9, नौवीं बात, लिसन टू मी पीपल इन इंडिया, आप भारत में जो लोग हैं ध्यान से आप मेरी बातों को सुने। मिरेकल्स ऑफ जीसस वेयर फ्री विदाउट एनी पेमेंट और एनी फी। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार जो उसने किए वह पूर्णतः मुफ्त थे। I have seen even in Itarsi, मैंने इटारसी में भी इस बात को देखा है। Some so-called healer came in Itarsi, और एक बहुत चमत्कार करने वाले इटारसी में आए। He put a price tag for the healing. उन्होंने एक रकम मूल्य लगा दिया चमत्कार के पीछे। If you give 1,000 rupees, you can be the front line. यदि आप 1,000 रुपए देंगे आप आगे कतार में खड़े हो सकते हैं। Listen to me. आप ध्यान से सुने। Jesus healed many, many, many. प्रभु यीशु मसीह ने बहुतेरों को उसने चंगा किया। फ्री ऑफ चार्ज, सबको मुफ्त में चंगा किया। नो फी, कोई शुल्क नहीं लिया। नो पेमेंट, कोई रकम उनसे नहीं लिया। बट सो कॉल्ड हीलर्स आर मेकिंग मनी बिकॉज दे आर प्रेइंग। और देखिए आजकल कई ऐसे चंगा करने वाले हैं, प्रार्थना करते हैं इसलिए वो पैसे लेते हैं। देयर आर टू कंटेनर और बैग्स आर इन द चर्च, one for the offering and one they have kept when they pray for healing. आप देखिए दो ऐसे दान के उन्होंने डिब्बों को रख लिया है, कोशों को रख लिया है, एक जो दान चंदे के लिए होता है और एक जब वो चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने आते हैं उनके लिए रखा है। चंगा करने का दान। Listen to me. Watch out for those kind of people. आप इस प्रकार के लोगों को ध्यान से देखें। God has given you gift. Yes. Not to make money or get name and pain. आप देखिए आपको नाम या शोहरत या पैसा कमाने के लिए परमेश्वर ने इस दान को नहीं दिया है। Watch out. आप ध्यान से देखें। And so-called healers will not last too long. आप देखिए इस प्रकार के चंगा करने वाले लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे। I am seeing already some of those healers are in trouble today. मुझे पता है कि आज उनमें से कई चंगे करने वाले जो ऐसे लोग हैं आज वो संकट में पड़ चुके हैं। There's a guy, एक व्यक्ति है, in south, south दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। He will send a handkerchief in the envelope, और लिफाफे में इस प्रकार से वो एक रुमाल या कपड़े का टुकड़ा भेजेंगे, which has the imprint of his palm, उसमें देख सकते हैं अब उसके हाथों का एक मुहर उसमें लगा रहेगा, and he will ask people to put their arm on the imprint of the so-called healer. और वो ये बोलता है जो उसके हाथों की छाप है उस पर अपने हाथों को रख करके आप प्रार्थना करें। And if you need an immediate answer, यदि आप तात्कालिक प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, send in the envelope which is another envelope enclosed big offering. और उसी लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा है, एक बहुत बड़ा दान आप उसमें भेजें। Watch out. आप ध्यान से देखें। This is all man-made method for healing. आप देखिए मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ये सारी रीतियां हैं, पद्धतियां हैं चंगाई के लिए। Are you doing to make money? क्या आप ये सब पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? If you are doing, stop it. यदि आप कर रहे हैं तो आप बंद कर दें। Just stop it. आप इसे बंद कर दें। You are not there to do these things. इन सारे कामों को करने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। Let's go further. आइए हम आगे बढ़ें। नंबर 10, दसवीं बात। When I made this study, I have seen miracles didn't had any negative connotation. आप देखिए जब मैं चमत्कारों के विषय में अध्ययन किया मैंने ये पाया कि इनमें से किसी भी चमत्कार का नकारात्मक अर्थ या नकारात्मक मतलब नहीं निकलता। और मेक इट वेरी सिंपल, नेगेटिव इन नेचर। और वो अपने आप में नकारात्मक नहीं थे। बट देयर वाज वन आई सॉ, लेकिन एक मैंने देखा, वेयर ही कर्स्ड द ट्री, और जब उसने एक पेड़ को श्रापित किया। ओनली ट्री, नॉट विद द पीपल। अब याद रखिए केवल पेड़ के साथ, लोगों के साथ नहीं। बिकॉज सन ऑफ मैन डिडंट कम to destroy men. क्योंकि याद रखिए परमेश्वर का पुत्र लोगों की बर्बादी के लिए नहीं आया। I don't know why our so-called healers, if you don't give the offering, they put curse
and he said, you are going to die. अब पता नहीं आजकल के लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जब आप दान नहीं देते या उनकी बात नहीं मानते वो श्राप देने लगते हैं। Listen to me. ध्यान से आप सुने। Jesus performed miracle to bring positive results. प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार इसलिए किया कि वह सकारात्मक परिणाम या नतीजा लेकर आए। We are coming very close now. हम समापन के निकट आ रहे हैं। I said we are close, very close. It doesn't mean I'm giving only one more point. क्योंकि एक और बिंदु मैं आपको दूंगा। Not just one point. केवल एक मात्र बिंदु नहीं। I said we are coming very close. हम समापन के निकट आ रहे हैं। Number 11. 11वां नंबर गिनती। Okay, you have to study the miracle. Then only you will come to this point. आपको चमत्कार के विषय में अध्ययन करना है, तभी आप इस निष्कर्ष में आ पाएंगे। He did not occur in one special place or one special location. आप याद रखिए, चमत्कार किसी एक स्थान में या पूरे के पूरे चमत्कार किसी एक विशेष स्थान में नहीं हुए। Some people are promoting unless you come to this ground, you will not have the healing. बहुत से लोग इस बात को कहते हैं आजकल कि यदि आप इस मैदान में नहीं आएंगे तो चमत्कार नहीं होगा। Look to Jesus what he did. आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। Wherever he went, जहां कहीं भी वो गया, miracles happened. चमत्कार हुए। Amen. Underline the word wherever. उस जो शब्द है उसे आप रेखांकित कर दें, जहां कहीं वो गए। He went to city of Jerusalem. वो यरूशलेम नामक नगर में गए। In the city, miracles happened. और उस शहर में आप देखें, चमत्कार हुआ। He went to the Sea of Galilee. गलीली की उस झील में वो गए। Miracle happened. चमत्कार वहां हुआ। He went to the villages and town. Miracle happened. वह नगर गांव जिस स्थानों में गया और चमत्कार हुआ। Especially when he went to the town of Jericho. खास तौर पे जब यरीहो नामक नगर में वो गया। Cursed place. एक श्रापित स्थान था। But miracle happened. चमत्कार वहां हुआ। Miracle can happen in your home. आपके घर में ही चमत्कार हो सकता है। Miracle can happen in a CITS building. CITS की बिल्डिंग में चमत्कार हो सकता है। Miracle can happen in the church building. कलीसिया की इमारत में चमत्कार हो सकता है। Miracle can happen underneath a tree. और एक वृक्ष के नीचे चमत्कार हो सकता है। I remember when I went to Jharkhand. मुझे याद आता है जब मैं झारखंड में था। One meeting was arranged underneath a people का जो वृक्ष होता है, उसके वृक्ष के नीचे छाए में मीटिंग का अरेंजमेंट हुआ। वहां पर भी मैंने चमत्कार को देखा। What I'm trying to say, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, डू नॉट पिनपॉइंट और पुट एम्फेसिस ऑन वन लोकेशन अनलेस यू गो टू जेरुसलेम, हीलिंग विल नॉट बी देयर। आप देखिए, किसी एक स्थान या विशेष स्थान को आप महत्व ना दें कि आप वहां जाएंगे तभी चमत्कार होगा। कई लोग ये कहते हैं कि यरूशलेम पवित्र भूमि में आप जाएं, इज़राइल में, तो चमत्कार होगा। So we will take the your prayer request to Wailing Wall in Holy Land. आप देखिए, लोग ये बोलते हैं कि पवित्र भूमि में जो दीवार है जिसकी ओर देखकर प्रार्थना की जाती है, हम वहां जाएंगे आपकी प्रार्थना याचना लेकर के और वो पूरा हो जाएगा। Fold your prayer request and put in those holes. अब देखिए, वो आपकी प्रार्थना विनती को मोड़ करके कागज में लिख करके उसे वहां जो छेद है उसमें डाल देंगे। We have seen that valley wall 3-4 times. तीन चार बार हमने उस दीवार को देखा। And how many people by thousand they come for prayer there? हजारों हजार लोग वहां पर आते हैं प्रार्थना के लिए। Listen to me. ध्यान से आप सुने। You can put the prayer request in your pocket and God will hear your prayer. आप अपनी प्रार्थना विनती अपने जेब में ही रखो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। My God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Do not worship just one location or pay attention only to one location. आप किसी एक स्थान पर केवल ध्यान ना लगाएं। It's not a special place. कोई विशेष स्थान नहीं है। Every place will become special when Jesus is. हर एक स्थान विशेष बन जाएगा जब यीशु वहां आएगा। When two or three are gathered in his name, there Jesus will be there. और दो या तीन जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहता है। Miracle will happen. और चमत्कार होकर रहता है। Hallelujah. Amen. Number 12. बारहवीं बात। I'm bringing you very practical thing. This is just looking to Indian culture. आप देखिए, भारतीय एक शैली या रीति को, संस्कृति को देखकर बहुत ही सरल बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं। The miracles which are recorded,
जिन चमत्कारों को बाइबल में दर्ज किया गया है। I have never seen a one particular special time. मैंने कहीं भी किसी एक विशेष समय को नहीं देखा। In other word, या दूसरे शब्दों में, there was no special time to perform the miracles by Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूसरे शब्दों में बोले तो चमत्कारों को करने का कोई खास समय नहीं था। Jesus did the miracle on the daytime. आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने दिन में चमत्कार किए। Jesus did the miracle in the night time, the Garden of Gethsemane. रात्रि के पहरों में गेथसेमनी की वाटिका में यीशु ने चमत्कार किए। Servants here, that was not in the daytime. आप देखिए जो उनके कान जो काटते उस चंगा किया वो दिन में नहीं रात में हुआ। Jesus did miracle on the water. और पानी में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए। Jesus did the miracle in the boat. और वो ने नाव में चमत्कार किया। So different time. अलग-अलग समय था। Listen to me. ध्यान से आप सुने। You can have the healing in the morning time. आप चाहे तो सुबह के समय चमत्कार ले सकते हैं। You can have in the afternoon. आप दोपहर में चाहे तो चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। You can have the miracle in the night. आप चाहे तो रात्रि में अपने चमत्कारों को। You can have the miracle on Sunday. आप चाहे तो रविवार को अपने चमत्कार। And you can have miracle on Friday. आप चाहे तो शुक्रवार को अपने चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। Not a time or a day for your miracle. कोई समय या दिन अपने चमत्कार को पाने का नहीं होता। आप ध्यान से सुने। You must be very clear in your mind. आपको अपने मन में इन बातों को बड़ी स्पष्टता से समझना है। Every day is designed by God. प्रतिदिन जो भी आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसकी संरचना की। Why I put this emphasis? मैंने इस बात पर जोर क्यों दिया? Because in the Bible time, they didn't believe to have healing on Sabbath day. क्योंकि बाइबल के दिनों में यदि आप बात करें तो सप्त के दिन वो चमत्कार नहीं देखना चाहते थे या नहीं होने देते थे। In India, there is a group of people that will only pray for healing during night hour, evening hour. भारत पे एक ऐसा दल है, एक मसीहों का समूह है जो केवल शाम के समय ही प्रार्थना करते हैं चंगाई के। Only evening and night hour. केवल शाम और रात्रि के पहरों में। If you call them that I have a chest pain 9 o'clock in the morning. यदि सुबह 9 बजे आप उन्हें फोन कॉल करके बोले कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। They say you have to be in the church by 7:30 p.m. वो कहेंगे आपको रात को 7:30 बजे चर्च में आना है। Most of the people will listen to their instruction. यदि लोग उनके निर्देशों को सुने, they will die before 7 p.m. तो 7 बजे शाम के पहले भी मर जाएंगे। What I'm trying to teach you this morning, मैं आज की सुबह आपको क्या सिखाना चाहता हूँ? You can pray at any time, any day, any place. जिस घड़ी, जिस स्थान पे, जिस भी समय या पहर में आप चाहते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। Some healing occur in the temple. अब देखिए कुछ चमत्कार तो मंदिर में हुए। Any place. किसी भी स्थान में। Let's go further. आइए हम आगे बढ़ें। Number 13. 13 है नंबर। This is I'm not trying to upset some of these leaders, but I want to make it doctrine very clear. मैं इनमें से किसी अगुओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सिद्धांत जो बाइबल के हैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। They say when you pray for healing, make sure it's among the believer. You pray among the believers. और वो ये बोलते हैं कि यदि आप चंगाई देखना चाहते हैं तो आप विश्वासियों के बीच में ही प्रार्थना करें। इन बिब्लिकल लैंग्वेज, बाइबल की भाषा में, डोंट प्रे व्हेन यू आर सराउंडेड बाय जेंटाइल्स। जब आप अन्य जातियों से घिरे हुए हैं तो प्रार्थना न करें। बाइबल गिव्स यू एन एग्जांपल, बाइबल में आपको उदाहरण मिलता है। जीसस परफॉर्म मिरेकल्स बिफोर द जेंटाइल्स। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के बीच में चमत्कार किए। इट कैन हैपन, हो सकता है। We have seen, क्योंकि हमने देखा है। We have seen sometimes there's not a single believer in that house, all non-Christian. अब देखिए उस घर में एक भी विश्वासी नहीं थे। कई जगह हमने देखा है सब गैर मसीही थे, लेकिन चमत्कार हुआ। I can give the example of Pastor Raju Thomas of Surat. और पास्टर राजू थॉमस जो सूरत के हैं, मैं उनका उदाहरण आपको दे सकता हूँ। He prayed for Gentiles and they got healed. आप देखिए उन्होंने गैर मसीही लोगों के लिए प्रार्थना किया और वे चंगे हो गए। There was no worship team. आप देखिए वहाँ कोई भी आराधना की मंडली नहीं थी। They didn't have all the props.
आप देखिए और चमत्कार करने की जितने सुविधा या फिर जो होते हैं सारी चीजें उनके पास नहीं थी। 14 पॉइंट बट ही जस्ट went and prayed and people got healed. वो जाकर केवल उनके लिए प्रार्थना किए और वे चंगे हो गए। I remember Pastor Karkata of Jharkhand. मुझे झारखंड के पास्टर करकटा याद आते हैं। He prayed for many non-Christian people. बहुत से गैर मसीही लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। I know he was funny sometime. मुझे पता है कि उस समय उन्होंने बहुत ही There was a businessman. एक व्यवसायी उनके पास आए and in the afternoon he came to Pastor Karkata और वो व्यवसायी उनके पास दोपहर के समय आए and he said दादा मुझे बहुत सिर का दर्द है जा नहीं रहा मैं दवाई के ऊपर दवाई खा रहा हूँ कुछ फायदा नहीं हो रहा है आप क्या प्रार्थना करेंगे तेल लगाकर मेरे माथे में तेल लगाए भाई साहब ने देखा तेल तो कुछ नहीं था झंडू बाम था झंडू बाम लगा दिया उनका दर्द वही चला गया कहने का तात्पर्य It's not the method. It's not the what you're doing. You're praying even for Gentile, believing in God that God will heal that person. आप देखिए, आप किस रीति से कर रहे हैं, किस स्थान पर कर रहे हैं, किस समय पे कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है. लेकिन आप जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, चमत्कार होगा. Number 14. 14 नंबर में आएंगे. Now. When I go to some healing crusades, I have been to some big healing crusades. जब मैं चमत्कारों की इस प्रकार की सभाओं में जाता हूँ, छुटकारे की सभाओं में मैं जाता हूँ, बड़े-बड़े सभाओं में मैं गया. I have been in Africa. मैं अफ्रीका में गया. I have seen some big crusade in Indonesia. और इंडोनेशिया में बड़े-बड़े अधिवेशन मैंने देखा. In Malaysia. मलेशिया मैं देखा. Even in America. अमेरिका में मैंने देखा. Healing crusade stage had many props and devices. To perform the miracle. आप देखिए जो उनका मंच होता है उसे बहुत सारे ऐसे यंत्र ऐसी बातें लगी होती है जो चमत्कार के लिए होती है Jesus didn't have any props. और प्रभु यीशु मसीह के पास ये सारी वस्तुएं नहीं थी He didn't have any device. उनके पास ये सब सारे यंत्र नहीं थे Some people they think you have to have a special cloth to perform the miracle. और कई लोग ये बोलते हैं आपको एक विशेष परिधान या वस्त्र पहनना है चमत्कार यदि देखना है तो All wrong. ये सब गलत है. Yes, I will say you must have good clothes on. और हाँ, आपको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए. You should not go and pray naked. और आपको नग्न जाकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए. You don't need a special props, special cloth, special device to pray for the healing. आप देखिए, आपको विशेष वस्तु, विशेष परिधान, विशेष यंत्र रखने की जरूरत नहीं अपने चमत्कार को पाने के लिए. God will perform miracle in his own way. और प्रभु यीशु मसीह अपनी रीति से चमत्कार करेगा. None of the miracles were for his number 50. None of the miracles were there for his personal advantage. और कोई भी चमत्कार उसके खुद के फायदे के लिए नहीं था. He would have done easily. और वो चाहता तो कर सकता था. When Satan came and told Tell these stone to become bread. He can perform that miracle. और देखिए शैतान आकर प्रभु यीशु मसीह को बोलता है यदि तू चाहे तो इन पत्थरों से बोल दे कि यह रोटी बन जाए और वो बन जाएंगे. But he took 5 loaves and 2 fish and multiplied. लेकिन देखिए उसने 5 रोटी और 2 मछली को लिया उसे कई गुना उसने बढ़ा दिया. Because he wants to do every miracle for someone else advantage क्योंकि वो सारे चमत्कार दूसरों के फायदे के लिए करना चाहता है temptation was attracting to do something for himself अब देखिए शैतान उन्हें परीक्षा में डाल रहा था कि वो खुद के लिए कुछ कर ले you make these stone bread and you will be satisfied और तू इन पत्थरों को रोटी बना दे और तेरा पेट भर जाएगा listen to me ध्यान से आप सुन miracles must be done For the advantage of others. आप ध्यान रखें चमत्कार दूसरों के फायदे के लिए होने चाहिए. I have still lot of time. और अभी भी मेरे पास बहुत समय है. Let me give you a very important question. एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. It's not an academic question. और यह कोई एक शैक्षणिक प्रश्न नहीं है. Yes, people may think. या हो सकता है लोग ऐसा सोचें. This question is very simple. लेकिन ये प्रश्न बहुत ही सरल है. Why miracles
are important in 21st century. आखिर इस 21वीं सदी में चमत्कार क्यों महत्वपूर्ण है? Or make it more simpler, और बहुत ही सरल कर दे, why believe in miracles? आखिर चमत्कारों पर हम क्यों विश्वास करें? And I will give you 8 to 9 reasons. और 8-9 कारण मैं आपको दूंगा. But before we do, ये इससे पहले मैं बताऊं. I like to give one passage from the Old Testament. पुराने नियम से एक शास्त्र भाग मैं आपको देना चाहूंगा. And that will help us to understand why we must believe in miracles. या कि हमें क्यों चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए. Or why we want to experience miracles. या आखिर क्यों हमें चमत्कारों का अनुभव करना जरूरी है. Go to book of Deuteronomy. आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आ जाएं. Chapter 4, चौथे अध्याय में 32-35. 32-35 पढ़िए. जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ, क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांध कर परीक्षा और चिन्ह और चिन्ह और चमत्कार और चमत्कार और युद्ध और बलिहार और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? Now we'll go and read 35, but listen in English. Say, by trials, दुख के चुनौतियों के बीच में, by signs, by wonders, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, by a mighty hand and an outstretched arm, पराक्रमी हाथों और फैले हुए हाथों के द्वारा, verse 35, 35 आए, यह सब तुझको दिखाया गया इसीलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। I want you to remember these 3-4 verses. मैं चाहूंगा आप ये 2-3 आयतों को सदैव याद रखें। So now let's make first point. आइए हम पहले बिंदु में आ जाएं। Miracles validate God's power. सबसे पहली बात, चमत्कार परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाते हैं। Validate God's power. परमेश्वर के सामर्थ को प्रमाणित करते हैं। It says in verse 35 here. 35 आयत में ऐसा लिखा है। So that you will know that Lord is God and there is no other besides Him. Hallelujah. ताकि तुम समझ जाओ कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा प्रभु है, उसके सामने और कोई नहीं। Now let's take one passage from New Testament. आइए हम नए नियम से भी एक शास्त्र भाग लें। Especially dealing with the miracles of Jesus. खासतौर पे जब प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की बात करते हैं। Or in the Gospels. या जब सुसमाचार में हम देखते हैं। Go to Luke chapter 7. आप लुका 7 में आ जाएं। Luke 7. लुका 7. Start reading from verse 11. 11 आयत से पढ़ेंगे। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, आ गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। Now, just extra point here. Not only his disciple, but big crowd was there. Okay. ना केवल उसके चेले परंतु बड़ी भीड़। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया
और उससे कहा मत रो, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, उठ बैठा और बोलने लगा। चलिए आगे जाएं। उसने उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है। That happens to you in your city, in Itarsi or in Rajkot. और यदि आपके नगर, आपके शहर इटारसी और राजकोट या भोपाल में ऐसा होता है, इज नॉट देयर टू अट्रैक्ट ए बिग क्राउड और बिग मीटिंग। ये इसलिए नहीं हुआ कि बड़ी भीड़ या बड़े अधिवेशन को आप वहां लगाएं। बाइबल से द बिग क्राउड फॉलोड हिम बिफोर द मिरेकल। अधिक चमत्कार के पहले एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। हिज डिसिपल एंड बिग क्राउड वाज देयर। उसके चेले और बड़ी भीड़ वहां थी। And that miracle happened. और फिर और वहाँ चमत्कार हुआ। Why that miracle was performed? अब बताइए ये चमत्कार क्यों किया गया? Conclusion is to validate God's power, not the crowd. और सबसे बड़ी बात यही है उसका कारण कि लोगों की नहीं, भीड़ की नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ को प्रमाणित करने के लिए, उसे सच्चा ठहराने के लिए ये किया गया। And the foundational scripture which we read from book of Deuteronomy, और व्यवस्था विवरण से जो बुनियादी शास्त्र भाग हमने पढ़ा, will come to the point two now. अब हम दूसरे बिंदु में आएंगे. Or we can make a point two from there. और वहीं से हम दूसरे बिंदु को भी बना सकते हैं. Well, don't read too fast and miss the point. और रफ्तार से पढ़कर आप उसके मुख्य बिंदु को ना खोएं. I have learned from a seasoned, balanced man of God who is preaching for more than 65 years. और बहुत ही मजे हुए, बहुत ही अच्छे 65 वर्षों से भी ज्यादा प्रभु के वचन की जो मुनादी कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनसे मैंने सीखा। He says he tried to rotate or get a new Bible every year. और वो प्रति वर्ष नए बाइबल पढ़ते हैं, नए बाइबल को लेने की कोशिश करते हैं। Because it is our tendency, we will highlight some passages. क्योंकि हमारा एक शैली है कि हम कुछ शास्त्र भागों को रेखांकित कर लेते हैं। And then when we come back to that passage after 3 months, लेकिन 3 महीने के बाद जब हम फिर से उस आयत में आते हैं, try to skip because you have read it before. क्योंकि हमने उसे रेखांकित कर लिया है, हम उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। But don't do that. लेकिन आप ऐसा ना करें। Now listen what Bible says here. बाइबल में आप देखिए यहाँ क्या लिखा है। Let's take verse 35 only. 35 आयत को ही हम ले लें। यह सब तुझको दिखाया गया इसीलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। Point number two. दूसरा बिंदु। Why we need to believe miracles or why miracles are needed? आखिर चमत्कारों की आवश्यकता क्यों है या उस पर आपको क्यों विश्वास करना है? So, miracles have always been the evidence of God on the earth. आप देखिए परमेश्वर का इस पृथ्वी में अभी से नहीं, शुरू से चमत्कार उसके होने का प्रमाण बनते हैं। Listen to me. ध्यान से आप सुने। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। There is No other besides him. और उसके अलावा कोई भी नहीं है। He is a God of the heaven. और वह स्वर्ग का परमेश्वर है। And he is a God of the earth. और वह पृथ्वी का भी परमेश्वर है। Now, Amen. From this point number two, और दूसरे बिंदु से, we can make another point. एक और बिंदु हम बना पाएंगे। Let me get this in your system now. मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने समझ में बैठा लें। Miracles have always been the evidence of God on the earth. अब देखिए परमेश्वर का होने का जो प्रमाण है वो चमत्कार हमेशा से रहे हैं। I want to look to the PowerPoint. और मैं इस PowerPoint को देखना चाहूंगा। Miracles have always been the evidence of the God on the earth. Now, look to this one now. आप ध्यान से इन बातों को देखें। I want to get your attention on this small word evidence. और ये जो छोटा एक शब्द है प्रमाण, मैं
चाहूंगा आपका ध्यान इसमें आ जाए. और यू कैन से मिरेकल्स प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. या दूसरे शब्दों में आप समझना चाहेंगे कि जो चमत्कार है इस पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है. और या healings are happening in your church, presence of God in the church. यदि आपकी कलीसिया में चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति वहाँ है. So let me get point number three. तो आइए हम तीसरे बिंदु को में जाएं. Miracles are to show. Miracles are to show that another authority is present on the earth. कि एक और अधिकार इस पृथ्वी में पाया जाता है. We have to underline another authority which you can put in parenthesis. आप देख सकते हैं एक और अधिकार जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है. You can put in parenthesis supreme authority. या फिर आप कह सकते हैं एक पराकाष्ठा या परम अधिकार या सामर्थ्य वहां पाया जाता है. another, जब आप ये दूसरे अधिकार की बात करते हैं many other authorities on the earth. कि बहुत से और भी इस दुनिया में अलग अलग अधिकार या प्रभुता पाए जाते हैं. But we have and we have come to know there's a supreme authority. लेकिन हमने इस बात को जान लिया है एक परम प्रधान अधिकार या प्रभुता करने वाला पाया जाता है. And his name is Jesus. और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह. Amen. So the miracle. Why we must believe in the miracle? आखिर हमें क्यों चमत्कार पर विश्वास करना है? Because we know there is a supreme authority on this earth. क्योंकि इस पृथ्वी पर एक और प्रधान या सर्वोच्च अधिकार पाया जाता है. In your church, आपकी कलीसिया में you may have an archbishop. हो सकता है आपके पास आर्च बिशप है. Or you may have a bishop. या आपके पास बिशप हो सकता है. Or you may have a senior pastor. एक वरिष्ठ पासवान आपके पास. Or you may have an associate pastor. या आपके एक सहयोगी पासवान भी हो. They all have authority. उन सब के पास अधिकार है. For the church. कलीसिया के ऊपर. Supreme authority is Jesus Christ. लेकिन सर्वोच्च अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास. Head of the church is Jesus Christ. कलीसिया का प्रधान प्रभु यीशु मसीह है. Hallelujah. So the miracle is teaching us. तो ये चमत्कार हमें ये सिखाते हैं. Yes, we must respect the authority. हाँ, हमें अधिकारियों का सम्मान करना है. But we must pay attention to the supreme authority. लेकिन जो सर्वोच्च अधिकार है, हमें अपने ध्यान को उस पर बनाए रखना. My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर. My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. Now when you number four, I can stay and explain, but let's pick up four or five also. आइए हम चौथे और पांचवी बातों में जाएं. Miracles indicated the permanent establish of the kingdom of God. और जो चमत्कार है परमेश्वर के राज्य के स्थायी रूप से अस्तित्व में होने या स्थापित होने का प्रमाण देते हैं. On the earth. और इस पृथ्वी पर. I will give you a scripture very soon. और बहुत ही जल्द मैं आपको आयत दूंगा. Let's make it this point more simpler now. Miracles indicated the permanent establishment of the kingdom of God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Now we go and make it simple. और इसे सरल हम बना देंगे. The kingdom of God, कि जो परमेश्वर का राज्य है, is an earthly manifestation of the supernatural. आप देखिए जो चमत्कार है वह स्वर्गीय बातों की या अलौकिक बातों का पृथ्वी पर होने वाला प्रमाण है या उसकी ओर इशारा करने वाला एक घटनाक्रम है. I want you to get this in your system. मैं चाहूंगा आपकी समझ में ये बात अच्छे से बैठ जाए. I said the kingdom of God is an earth or earthly manifestation of the supernatural. आप देखिए जो परमेश्वर का राज्य है
वह स्वर्गीय बातों का पृथ्वी पर स्थापित होने वाला एक प्रमाण है। So we must believe in the miracle we living on this earth. तो जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, जीवित हैं, हमें चमत्कारों पर विश्वास करना है। Because this is the supernatural manifestation. क्योंकि यह एक अलौकिक प्रकटीकरण है। Luke chapter 11. लूका 11 verse 20. 20 परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। Kingdom of God has come upon you. परमेश्वर का राज तुम में आ पहुंचा है। So when you see the miracles, तो जब आप चमत्कारों को देखते हैं, right away, you know, kingdom of God has come. परमेश्वर का राज्य आ गया है। For every kingdom there's a king. देखिए हर एक राज्य में एक राजा होता है। Kingdom will have kingdom laws. आप देखिए उस राज्य में राज्य के नियम भी होते हैं। Kingdom will have kingdom's commands. और उस राज्य की आदेश आज्ञाएं भी होती हैं। Kingdom will have king's protocol. और फिर देखिए राजा का एक शैली रीति भी वहां पर होता है। Kingdom of God has a king. और देखिए एक राज्य में राजा भी होता है। यदि आप केवल इस एक बिंदु को ले ले, I do believe and I want to experience the miracle. मैं विश्वास करता हूँ और मैं चमत्कार का अनुभव करना चाहता हूँ। In other words, दूसरे शब्दों में, I want to put the king in his right place. मैं राजा को उसके उचित स्थान में रखना चाहूँगा। So I'm away from that place. मैं उस स्थान से दूर हूँ। And the king is there. और राजा वहाँ है। So when people see the miracle, तो जब लोग चमत्कार को देखते हैं, they will not be attracted to me. वो मेरी ओर आकर्षित नहीं होंगे। But they will be attracted to the king. लेकिन वो राजा की ओर आकर्षित होंगे। But every time miracle is happening, जब भी चमत्कार होता है, supernatural power or manifestation of supernatural power is there. अलौकिक सामर्थ्य का प्रदर्शन वहाँ पर होता है। But we Indians have messed up this. लेकिन हम भारतीयों ने इस धर्म विज्ञान को गड़बड़ा दिया है। They don't bring king in the right place. वो राजा को उसके उचित स्थान में नहीं लाते। They don't put the Jesus Christ in the right place. वे प्रभु यीशु मसीह को सही स्थान में लाकर नहीं रखते। And they want to attract people to themselves. और वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। I remember I had seen some of the meeting conducted by late Oral Edwardson here BT Church many time. और स्वर्गीय Oral Edwardson के द्वारा कई जगह सभाओं में मैं गया और वो इटारसी में भी आ चुके हैं। I have seen one lady had tumor like a baseball size hanging on the neck. मुझे याद आता है कि एक महिला के गले में बहुत बड़ा ऐसा गांठ था, ट्यूमर था, बेसबॉल के आकार का। He stood on the stage. और मंच पर खड़े हुए। I have watched him for many years. बहुत वर्षों से मैंने देखा है। He will never lay hand on people. वो कभी भी लोगों के ऊपर हाथ नहीं रखते थे। Because he doesn't want people to start worshiping him. कि वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उनकी आराधना शुरू कर दें। And follow him. या उनका अनुकरण करने लगे। He want to just have the manifestation of the supernatural power. परमेश्वर की दैवीय सामर्थ्य का वो प्रदर्शन करना चाहते थे। He been to my house in America. अमेरिका में हमारे घर वो आ चुके हैं। He stayed in our small house and an old Bible college building. और वो हमारे छोटे घर में अब पुराने बाइबल कॉलेज का जो इमारत था उसमें रह चुके हैं। ओल्ड बाथरूम वन फैन और पुराने समय का शौचालय और पुराना पंखा। नो प्रॉम्प्ट, नो प्रॉम्प्ट, नथिंग। कोई भी अच्छी आधुनिक वस्तुएं चीजें वहां नहीं थी। What I'm trying to get to you. मैं वो क्या बताना चाहता हूँ? He prayed. उसने प्रार्थना किया। That tumor fell on the ground. और वो Hallelujah. जो गांठ है जमीन पर गिर गया। Miracle happened in Russia. चमत्कार रशिया में हुआ। Miracle happened in Denmark. डेनमार्क में भी चमत्कार हुआ। I had been with him. मैं उनके साथ गया था। All liquor shop were shut down that night he was preaching. और उस रात्रि जब वो प्रचार कर रहे थे, शराब के सारे दुकान बंद हो गए। And the Denmark government gave $1 million to open
a printing press in Denmark. अब देखिए डेनमार्क में वहाँ की सरकार ने $1 million दे दिए कि वहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस खोले. He never laid the hand. उन्होंने कभी हाथ नहीं रखा किसी के ऊपर. But he stood in the presence of the king. राजा की उपस्थिति में वो खड़े हो गए. And he stood before the presence of the king. उन्होंने एक राजा की हुजूरी में खड़े हो गए. Learn a lesson. आप एक पाठ सीख लें. God wants to demonstrate, manifest His supernatural power on this earth, not your power. और देखिए परमेश्वर आपकी सामर्थ नहीं परंतु अपने सामर्थ को जो दैवीय सामर्थ है चमत्कार के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है. Will you show and give the right place to Jesus in your so-called healing meeting? क्या आप अपने चमत्कारों की सभा में प्रभु यीशु मसीह को उचित स्थान देना चाहते हैं? If not, यदि नहीं, change your method. अपनी रीतियों को, change your style. अपनी शैली को, follow simple principle and the style of Jesus Christ. बदल कर आप यीशु के सरल रीति और पद्धति को अपना लें. I will continue next week. 5, 6, 7, 8, 9. 5 more things. About the miracles. पांच और बातें चमत्कारों के विषय में हैं. मैं आगामी सप्ताह में आप तक पहुंचाऊंगा. Close with another very important question. एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के द्वारा मैं समाप्त करना चाहूंगा. The question is, वो प्रश्न यही है, Do miracle happen today? क्या आज चमत्कार होते हैं? Do miracle still happens today? क्या आज भी चमत्कार होते हैं? To that question, इस प्रश्न के उत्तर के लिए I will say big yes. Yes. और बहुत ही जोर से मैं हाँ बोल रहा हूँ. I am saying big yes. अब एक सवाल हाँ क्यों बोल रहा हूँ? Jesus is the healer. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है. I will only give you one scripture from book of Hebrews. मैं इब्रानी की पुस्तक से केवल एक आयत आपको देना चाहूँगा. He is the same yesterday, today, and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है. He did a miracle in the past. उसने अतीत में चमत्कार किए. He is doing miracles today. वो आज भी चमत्कार कर रहा है. He will do miracles tomorrow. कल भी चमत्कार करेगा. I believe in miracles. आज चमत्कारों पर विश्वास करता हूँ. Because I believe in the healer. क्योंकि उस चमत्कार करने वाले पर. His name is Jesus. उसका नाम यीशु है. His name is Jesus. उसका नाम यीशु. Amen. 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 We'll come back. And I will give you Jesus. Five more things. Hallelujah. Why we have to experience miracle. तो हम फिर से इस बिंदु पर आगे आएंगे. पांच और बिंदुएं आपको मिलेंगी. आखिर क्यों हमें चमत्कारों का अनुभव करना है? Four simple keys to experience miracle. और चार बहुत ही सरल कुंजियां कि आपको चमत्कारों की अनुभव. Simple. बहुत ही सरल. Even a 9-year-old boy can follow that. 9 साल के बच्चे भी इसका अनुकरण कर सकते हैं, समझ सकते हैं. If time permits next, I will give you 2 solid proof healings or miracles of Jesus were prophesied in the Old Testament. कि पुराने नियम में कैसे प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वह भी हम आपको बताएंगे. But you have a little assignment for 1 week. लेकिन एक सप्ताह जो है अभी रह गया आपके लिए कुछ गृह कार्य है. Make sure you read the first miracle. Perform by Jesus, wedding at Cana. लेकिन मैं चाहूंगा ये जो समय है आप उसमें जो सबसे बड़ा चमत्कार आप देख सकते हैं, पहला चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 2 में, जो काना के नगर में विवाह के समय प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया. God bless you. प्रभु आप सबों को आशीष. God willing, we'll see again Sunday morning 9 o'clock. प्रभु ने चाहा कि रविवार की सुबह फिर से एक बार सुबह 9 बजे आपसे मिलेंगे. Pastor Wilson, close the service. Hallelujah. Pastor Wilson, प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें. प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं जब चमत्कारों के इन श्रृंखलाओं के मध्य में प्रभु आज तेरे दास के माध्यम से प्रभु उस बड़े गुण भरी बातों को समझने का, सीखने का और अनुभव करने का प्रभु तूने अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया. धन्यवाद खुदावन. आज भी इस पृथ्वी पर चमत्कार होते हैं क्योंकि तू जीवित है और वही सामर्थ आज इस पृथ्वी पर उन चमत्कारों को लेकर आ रही है. प्रभु जब ये शिक्षाएं यहाँ से दी जा रही है, प्रभु जी हमारी प्रार्थना है खुदावन कि इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु जी वे उस अंतर्ज्ञान को प्राप्त करें
उस समझ को प्राप्त करें, सही शिक्षाओं को वे अपने जीवन में लागू करें, और खुदावन लोगों को केवल अपनी ओर नहीं लेकिन खुदावन वे तेरी ओर उन लोगों को आकर्षित करने वाले बन जाएं। प्रभु जी जो अपने फायदे के लिए प्रभु जी इन इस प्रकार के उन चमत्कारों को कर रहे हैं, प्रभु जी जिन्होंने इसको अपना व्यवसाय बना लिया है, खुदावन इन चमत्कार के माध्यम से प्रभु जी वे अपने स्वार्थ को जो पूरा करते जा रहे हैं, प्रभु तू उनकी समझ को खोल दे, प्रभु जी तू उनकी बुद्धि को खोल दे, ताकि खुदावन में इस बात को जान पाए कि केवल तू ही है और केवल तू ही है जो आज भी चमत्कार के कार्य कर रहा है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे विशेष करके हमारे पासवान के लिए कि प्रभु जी वचन की इतनी गहराई, वचन की इतनी गूढ़ भरी बातों को प्रभु जी वे अपने लोगों के सामने में, उन दासों के सामने में, विश्वासी भाई बहनों के सामने में लाके रख रहे हैं, ताकि प्रभु जी वे उन सच्चाई को जान पाए, उन सच्चाई को समझ पाए और प्रभु जी उन सच्चाई को वे अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु हमारी यही दुआ और यही प्रार्थना है कि प्रभु जी जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी इन शिक्षाओं को सुनते हैं, प्रभु ये शिक्षा उनके जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए, प्रभु जी उनके जीवन में एक सफलता आने पाए। हालेलुया। प्रभु जी हमारे पास बांध को विशेष करके तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु जी उनकी सहायता कर, मदद कर, उन्हें बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कर, हर प्रकार की उन चुनौतियों के मध्य में प्रभु तू अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी संपूर्ण घराने को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आने वाले समय में प्रभु और अधिक अपने दास को बड़े अभिषेक के साथ खुदावंत इस वचन की सेवकाई में, शिक्षा में तू उनको इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते हैं पास्टर निखिल राज गुप्ता के लिए, प्रभु जी उन पर भी तेरी बरकत और आशीष बनी रहे। धन्यवाद प्रभु जी जो दान और वरदान खुदावंत ने उनको दिया है और उन सब बातों में तू उनको इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु जी तेरी बड़ी बरकत और आशीष, तेरा दैवीय हाथ प्रभु उनके जीवन पर, उनके सेवकाई पर, उनके परिवार पर बना रहने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, खुदावन तेरे हुजूर में बैठकर तेरे वचन को सुनने का, उन गुण भरी बातों को समझने का अवसर तूने हमारे जीवन में दिया है। खुदावन केवल सुनने वाले नहीं लेकिन प्रभु उसके अनुसार कार्य करने वाले बन जाए। तेरे हाथों में प्रभु सारी बातों को समर्पित करते हैं, प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Amen.